श्री श्याम महाराज जी। जय श्री श्याम। आज धाम पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इस बारिश में कैसे व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया गया? बारिश में बाबा श्याम ने परीक्षा ली अपने भक्तों की कि इस तरीके की बारिश है और लग तक कमर कमर तक पानी है यहाँ, और उसमें भी भक्त अगर आ रहे हैं तो बाबा के प्रति, धाम के प्रति और इस भूमि के प्रति कितना लगाव है उन भक्तों के मन में। और किसी भी तरीके से ये महसूस नहीं हुआ कि इतनी बारिश होने के बावजूद किसी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो। भक्तों का जो आने का सिलसिला जैसे हमेशा रहता था वैसा ही रहा, और जब भक्तों का प्यार, भक्तों की इस तरीके की चीज़ हमने देखी तो हमने भी फिर अपना जो रूम था वो छोड़ दिया और छाता लेके हम भी निकल गए, और हमने लास्ट तोरण द्वार तक हमने लोगों के लिए वहाँ आशीर्वाद दिया, लोगों से मिले। कुछ भक्त वहाँ ऐसे थे जो नहीं आ पा रहे थे इधर, उनसे हम वहीं जाकर मिले, तो हमें अच्छा लगा कहीं ना कहीं कि कहीं भक्तों, जब भक्त इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और हमने किया भी। महाराज जी, हमने देखा कि ट्रॉलियों से भक्तों को लाया जा रहा है, तो इतना भक्तों के प्रति प्रेम आपका ये कैसे आता है? नहीं, भक्तों, देखो भक्ति ही भगवान है। इस धाम की अगर कोई भी अगर खूबसूरती है तो भक्तों से है, इस धाम की अगर महिमा है तो भक्तों से है, भक्त में ही भगवान छुपे हुए होते हैं। तो अगर उनको अगर कष्ट होगा तो सीधे सीधे बाबा को दिक्कत होगी, और बाबा को हम किसी तरीके से सपने में भी कोई दिक्कत नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रस्ट किया है और अरबों लोगों में से हमें चुना है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ कोई भी भक्त आए तो वो निराश ना जाए। महाराज जी, ये जो आंवला क्षेत्र में बारिश हुई है, ये कितने समय का रिकॉर्ड टूटा? ये सन 1998 में, 98 में इस तरीके की बारिश हुई थी, तब से लेकर अब तक इस तरीके की बारिश नहीं हुई है। ये इस तरीके की बारिश है कि आप देखो टोटल सब जलमग्न है, पूरा आप कहीं भी निगाह दौड़ा के देखें आप, सब कुछ जलमग्न है, और बाबा की असीम कृपा इस भूमि पर कि ये टापू पे अपना धाम है। यहाँ इस तरीके से जल नहीं है, रास्ते में जल है लेकिन धाम पर जल नहीं है। आप देख सकते हो खरंजा जो पड़ा हुआ है, सड़क पड़ी हुई है, वो भी बिल्कुल साफ, उस पर जल नहीं है। चारों तरफ जलमग्न है एरिया, लेकिन धाम के पास बिल्कुल बारिश नहीं। हाँ, ये बाबा की ही कृपा है कि यहाँ सुचारू रूप से सारे भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मुझसे भी मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं भक्त, और लोग उनको अच्छा भी लग रहा है कि हम धाम पर आए हैं और हमारे लिए यहाँ सुविधा दी जा रही है। हमने 2-3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, उनको ट्रॉलियों में बिठा के धाम तक लाया जा रहा है, क्योंकि जल की जो वो है वहाँ, जो रोड से जब नीचे निकलते हैं तो कमर कमर तक जल है, कमर तक। हाँ, तो ट्रैक्टर हमने लगा दिए हैं। हम भी आज उसी ट्रॉली से आए, हमें भी लाया गया, तो हम पहुँचे वहाँ तो हमें लगा कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन वहाँ ट्रॉली लगी थी तो हमें भी अच्छा लगा ये व्यवस्था आपकी देख के, बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है। भक्तों को, भक्तों इतनी दूर से अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, अगर उनको यहाँ आने के बाद भी कष्ट हुआ तो मनोना धाम का नाम, और जो इस तरीके की बाबा यहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चमत्कार मनोना धाम पर हो रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो, कहीं नहीं हो रहे हैं, तो बाबा की कितनी असीम कृपा है। बाबा पूर्ण साक्षात रूप से यहाँ पर विराजमान होकर आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों के लिए, तो कुल मिला के ये है कि भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अब तक हम कहते थे मनोना धाम एक आस्था का केंद्र है, लेकिन हमें तो लगता है कि आज इतनी बड़ी बारिश के बाद और भक्तों की लाइन नहीं टूटी, तो हमें तो लगता है कि आस्था का समंदर बन गया है। हाँ, बिल्कुल आस्था का समंदर, बिल्कुल सही शब्द चुना आपने, आस्था का समंदर ही है आज की डेट में देखा जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेके माताएं बहनें आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हम भी भावुक हो जाते हैं कि कितना इनके अंदर कितना भाव है इस धाम के प्रति, हमारे प्रति, बाबा के प्रति। तो हम चाहते हैं कि उनको किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो, और उनसे हम गले लगें और गले मिलें, और उनको हर तरीके से हमें सुचारू रूप से सारी सुविधाएँ दी जाएँ।